गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैंने अमेज़ोन से पहले ये दो सेट बीन बैग के मंगवाए थे ऑफिस यूज़ करने के लिए। तो मैंने वीडियो तो बना ली थी, बट मैंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्डर नहीं था, अमेज़ोन की तरफ से इनकम्प्लीट ऑर्डर था। तो आज मैंने सोचा कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको भी पता चले और आप इसमें ध्यान रखें जब भी आप बीन बैग्स ऑर्डर करते हैं अमेज़ॉन के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन कंपनी के थ्रू। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये निकल आया हमारा बीन बैग येलो और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में। अरे, इसमें एक ही सेट है, पॉफी बैग तो है ही नहीं। मैंने तो दो सेट में मंगवाया था, ये तो एक ही सेट है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट ऑर्डर नहीं है। मैंने दो सेट मंगवाए थे, ये कॉम्बो था, बीन बैग डबल एक्सल था और उसके साथ पफ़ी था। तो पफ़ी जो बेसिकली होता है वो फुट रखने के लिए यूज़ किया जाता है। आप फुट रख सकते हैं, अपने पैर रख सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली मैंने दो का सेट मंगवाया था। तो बट ये दो का सेट नहीं आया मुझे, सिर्फ इन्होंने बीन बैग एक डबल एक्सल वाला भेज दिया। तो मैंने इनको रिटर्न कर दिया, जो कि इनकी रिटर्नेबल पॉलिसी होती है 10 दिन की, तो जिसमें मैंने रिटर्न कर दिया तो उन्होंने मुझे रिफ़ंड कर दिया था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो बेसिकली मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता था कि आपको भी पता हो कि बीन बैग्स बेसिकली जब भी आप ऑर्डर करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। वैसे तो आप शॉप में जाके अगर आप परचेस करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसमें आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, कलर्स मिल जाते हैं, क्वालिटी का पता चल जाता है, साथ में उसमें बीन्स भी मिल जाते हैं। अब जब ये जो मैंने ऑर्डर मंगवाया था ये बीन बैग था, ये इसके साथ बीन्स नहीं थे, ये विदाउट बीन्स था। तो मुझे बीन्स अलग से मंगवाने थे और उसको फिलअप करना था, तभी ये पूरा बीन बैग बनता। तो कवर मुझे पसंद आया था जिसमें येलो और ब्लैक का कम्बिनेशन था, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया, बट ये पूरा सेट नहीं था तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। बीन बैग्स का इसमें ज़्यादातर आजकल ऑफिसेज में और घर में इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये एक तो कहीं पे भी सेट हो जाते हैं और इसको क्लीन करना इजी है। आप किसी भी गीले कपड़े और वेट कपड़े से आराम से क्लोथ से साफ़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इन बीन बैग्स को आप शार्प ऑब्जेक्ट्स और नुकीली चीज़ों से दूर रखें ताकि उसमें कट ना पड़े। अदरवाइज़ हल्के होते हैं, कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, आरामदेह होते हैं, तो आराम से आप इसमें लेट कर बैठ कर काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बीन बैग्स में कई साइजेज आते हैं। आप इसमें एक्सेल आता है, डबल एक्सेल आता है, ट्रिपल एक्सेल आता है, तो आपकी यूसेज के अकॉर्डिंग आप उसे परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने ये साइजेस दिखाए हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आप डबल एक्सेल का मंगवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 kg तक के बीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ट्रिपल एक्सेल है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 kg का आपको बीन्स रिक्वायर्ड होंगी। और बीन्स को भी आप जब आप परचेज करते हैं तो इसमें देखिए 2 टाइप के बीन्स आते हैं। एक तो स्मॉल साइज़ में बीन्स आते हैं, बीन बॉल्स आती हैं स्मॉल साइज़ की, जो कि कंफर्टेबल होती हैं और बेसिकली मोस्ट ऑफ द पर्सन्स बेसिकली लाइक डैट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल बॉल्स वाले बीन्स लेते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती हैं। दूसरी जो बीन बॉल्स आती हैं वो लार्ज साइज़ की होती हैं, मोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, जो कि ड्यूरेबल होती हैं, मतलब इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होती। बट कंफर्टेबल के मामले में स्मॉल साइज़ वाले ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, बट कई लोग अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो जो मोटी बॉल्स होती हैं लोग उसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि
कई बारी क्वालिटी में भी डिफ़र होता है और मोटी बॉल्स भी कई बारी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। सो ये आप उसे टच करके पता कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि बीन बैग या बीन बैग की बॉल्स आप लेने जाएं तो आप शॉप से लें, ताकि आप टच करके उसकी क्वालिटी का पता कर सकते हैं और आप वहीं से आप परचेज कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। काइंडली फॉलो, और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट मी नो योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, गॉड ब्लेस यू ऑल।